अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो OXPS फाइल जो है वो बना सकते हैं। OXPS फाइल जो है वो हमें बाज़ुकात बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई चीज़ हमारे पास HTML में मौजूद है और हम उसको PDF में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बाज़ुकात हमें जो है वो उस HTML फाइल को OXPS फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी डिज़ायर्ड फाइल पर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन की है, तो इसमें HTML5 के ट्यूटोरियल्स हैं। मैं इसको जो है वो HTML से, क्योंकि ये एक HTML फाइल है, मैंने इसको ब्राउज़र्स में ओपन किया है, उसको OXPS फाइल में जो है वो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर कीबोर्ड पर कमांड दूँगा Ctrl+P की, यानी प्रिंट की कमांड दूँगा। डोंट वरी, ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे पास जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लोडिंग प्रीव्यू का जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है, और यहाँ पर आप देखें तो ये कुछ यहाँ पर लोडिंग चल रही है। तो ये हम सारा करते क्यों हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें HTML में हमें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना रिज़ल्ट कार्ड लेने जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो है वो HTML में पड़ा होता है और हम उसको PDF में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें बाज़ुकात जो है वो HTML फाइल को पहले OXPS फाइल में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो है वो ये विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपने जो है वो करना क्या है कि डेस्टिनेशन में जो है वो देखना है कि हमारे पास सेलेक्ट जो हो वो माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर हो। अगर ये नहीं है तो आप इसको चेंज पर जाएं, और यहाँ चेंज पे आप जो है वो इसको मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर पर क्लिक करें तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमने जो है वो इसको इसी पे जो है वो ऑप्शन पे करना है। अब नेक्स्ट हम प्रिंट की कमांड देंगे, तो डेफ़िनेटली हम प्रिंट तो करने नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रिंटर अटैच नहीं है, और अगर अटैच है तो आपने उसको जो है वो अनकनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास प्रिंट की कमांड दें तो ये आगे उस फोल्डर को ओपन कर देगा जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो रखना चाह रहे हैं, यानी OXPS जो फाइल आपने रखनी है, तो वहाँ पर आप जो है वो उस फोल्डर का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो रखना चाह रहा हूँ म्यूज़िक वाले फोल्डर में, तो यहाँ पर मैं जो है वो नेक्स्ट को नेम दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ न्यू OXPS फाइल, मैं इसको नेम दे देता हूँ एंड देन मैं क्लिक कर दूँगा सेव पे। अब ये सेव हो चुकी है। अब जो है वो हम इसको देख सकते हैं कि ये HTML फाइल जो थी वो अब हमारे पास OXPS में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं म्यूज़िक फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि हमारे पास ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। कुछ टाइम लेती है और फिर जो है वो ओपन हो जाएगी। को दोबारा से जो है वो क्लिक करता हूँ। सो नाज़रीन आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा वो टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारे पास न्यू OXPS फाइल आ चुकी है। ये फाइल पहले HTML फाइल थी लेकिन हमने इसको OXPS फाइल में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये डेफिनेटली हमारे पास ओपन होगी और ये हमारे पास जो है वो XPS व्यूअर में आप इसको देख सकते हैं। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसको जो है वो यहाँ से जो है वो HTML में या आप यहाँ से इसको PDF में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो है वो फाइल है XPS फाइल, तो हम इसको यहाँ से जो है वो इस वर्जन को हम जो है वो PDF के ज़रिए जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर, मेरे पास जो है यहाँ पर एक जो है वो PDF मेकर जो है पड़ा हुआ है। तो PDF मेकर में जब हम सेलेक्ट फाइल पे जाऊँ और अगर मैं यहाँ पर इसको HTML फाइल दूँगा तो वो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक HTML फाइल जो है वो पड़ी हुई है, मैं यहाँ से जो है वो अपने फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ से हमारे पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है ना वो एक HTML फाइल है, जैसे कि इसके ऊपर आपको ब्राउज़र बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा और
तो ये देखें, तो कह रहा है कि दिस फाइल मस्ट बी सेव्ड एज XPS फाइल बिफोर द कन्वर्जन। तो इसको जो है वो पहले आपने XPS में सेव करना पड़ना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो है वो एक फ़ाइल सेव की है, अगर मैं उसको यहाँ पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, तो वो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा यहाँ से उसको जो है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी XPS में कन्वर्टेड है, तो वो हमारे पास PDF में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि हमारे पास जो है वो ये कन्वर्जन कर रहा है, तो हमारे पास आप इसको कन्वर्ट करें और डाउनलोड करके आप इसको कहीं भी यूज़ करते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया आपका। सिंपल जी की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा दिलशाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट